व्यू इतना औसम है ना और मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि मुझे लग रहा है हमने दोनों भाइयों को स्वेटर ना पहनना पड़ जाए। दोस्तों सामने व्यू देखिए आप कितना जबरदस्त है, भाई साहब शानदार व्यू है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं पौड़ी से लेकर कोटद्वार का जो रोड है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ऑल वेदर रोड पे गाड़ी चल रही है, कितना चौड़ा रोड है। हाईवे देखिए आप कितना जबरदस्त बना हुआ है, कम से कम 8 कट गए हैं टोटल, मतलब 8 जगह के रास्ते कटे हैं 2 कट से। इस भाई को मैं कितनी बार हॉर्न दे चुका हूँ मगर इस पे हॉर्न का कोई असर नहीं हो रहा और ये पहाड़ के नियम भी नहीं मान रहा बिल्कुल भी कोई, मगर इसने कहीं भी भाईचारा नहीं बनाया हमारे साथ। अब फ़ोन पे बात करता चल रहा है देखो। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम राइट हो जाएं तो हम राम झूला लक्ष्मण झूला चले जाएंगे वाया यमकेश्वर महादेव होकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। बुआ खाल के लिए लेफ्ट हो गए और नीचे से राइट हो जाते तो हम चले जाते नीचे गांव की तरफ और हम निकल गए हैं अब कोटद्वार के लिए। तो फिलहाल हमने वो क्रॉस कर दिया है आपका पौड़ी, व्यू इतना औसम है ना और मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि मुझे लग रहा है हमने दोनों भाइयों को स्वेटर ना पहनना पड़ जाए। समय हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, अभी 7:45 का समय हुआ है, 7:45 का, और हम कोटद्वार के लिए निकल गए हैं। और लेफ्ट साइड में अगर हमें सिटी में जाना होता तो हम लेफ्ट साइड से नीचे निकल जाते, तो हम चले जाते सिटी में। तो आपने हमारा वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा जिसमें हमने ऋषिकेश से लेकर आपका पौड़ी तक का रास्ता दिखाया है। तो अब हम आपको दिखाएंगे पौड़ी से कोटद्वार का रूट, एक ऐसा रूट है कोटद्वार तक पौड़ी का। पौड़ी गढ़वाल फिलहाल तो व्यू औसम है, बहुत जबरदस्त व्यू है। 105 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है यहाँ से आपका कोटद्वार की, और रास्ते की थोड़ी चौड़ाई है कम, आपको दिखाएंगे कितना समय लगा हमें कोटद्वार तक पहुँचने में और रोड की कंडीशन कैसी है वो भी दिखाएंगे आपको। ऋषिकेश से लेकर हमें पौड़ी तक पहुँचने में मात्र 2 घंटे 15 मिनट लगे थे और हमने 15 मिनट का ही ब्रेक लिया था तो टोटल 2.5 घंटे लगे थे। हम यहाँ से निकले हैं आपको बताएंगे कि हमने कितने ब्रेक लिए और हम कितना समय लगा कोटद्वार तक। वैसे तो उत्तराखंड में हम काफ़ी जगह घूमे हैं मगर 2 जगह की रोड क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगी, एक तो पौड़ी और पौड़ी के सराउंडिंग जो एरिया है, जैसे देवप्रयाग से पौड़ी के बीच में हम आए थे तो 20 किलोमीटर जो लास्ट के पौड़ी के बचे थे तो रोड ऐसा ही था बिल्कुल जैसा है, और अब हम कोटद्वार के लिए निकल गए तब भी रोड क्वालिटी बहुत एक्सेलेंट है। तो एक पौड़ी और एक आपका उत्तरकाशी, यहाँ की जो आसपास की सड़कें हैं ना इनकी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं पौड़ी की सड़कें कितनी बढ़िया हैं। तो 101 किलोमीटर रह गया यहाँ से कोटद्वार, और सतपुली रह गया 50 किलोमीटर रूट रहेगा वाया सतपुली, और फिर हम निकलेंगे वहाँ से कोटद्वार के लिए। तो आज आपको ये रूट भी कवर करके दिखा देंगे कि कोई भाई हमारा कुमाऊँ साइड से अगर आएगा तो ये रूट कैसा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम मेन रोड से कनेक्ट हो गए, पावो थैली सैंड मिजरो के लिए हम यहाँ से आगे से लेफ्ट हो जाएंगे। तो मेरे जो दोस्त हैं वो थैली सैंड से हैं उनका घर जो है वो थैली सैंड में है। तो फिलहाल हम बुआ खाल पहुँच गए हैं, काशीपुर 263, रामनगर 236, धूमा कोट 163, त्रिपाली सैंड 60, कोटद्वार 101, मेरठ 238। तो थैली सैंड और रामनगर के लिए हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, और कुर्सी विलेज के लिए भी बता रहे थे यहीं से रास्ता है मगर कहीं दिख नहीं रहा। कोटद्वार के लिए हम हो गए सीधा, तो पूरा 15 किलोमीटर का हमने एक और ब्रेक लिया था पौड़ी क्रॉस करते ही, और अब हम निकल गए हैं दोबारा कोटद्वार के लिए। रूट सही है और सेम वैसा ही है जैसा कि आपका देवप्रयाग से पौड़ी के बीच में रूट है, मगर मुझे लगता है अब कोटद्वार तक गाड़ी नीचे उतरेगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। पौड़ी में लोगों ने स्वेटर पहन रखे हैं और हमें भी जरूरत पड़ गई थी अभी जब हम उतरे, ठंड लग रही थी काफ़ी, तो रात को तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो जाता होगा। तो फिलहाल निकल गए हम कोटद्वार के लिए और आपको बताएंगे आगे रूट कैसा है। तो पौड़ी से जब से निकले हैं दोस्तों हम, तब से हमारी गाड़ी लगातार नीचे उतर रही है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। 95 किलोमीटर रह गया कोटद्वार अभी यहाँ से, और अगर किलोमीटर देख रहे हैं तो 10 किलोमीटर करीब हम पौड़ी से आ गए हैं नीचे शहर से।
दोस्तों सामने व्यू देखिए आप कितना जबरदस्त है, भाई साहब शानदार व्यू है बिल्कुल। तो आज पौड़ी में आके पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ एक अपना घर होना चाहिए। काफ़ी सुंदर जगह है पौड़ी। 88 किलोमीटर दूरी रह गई है कोटद्वार की और रोड देखिए आप चौड़ा हो चुका है और मैंने पीछे देखा काम भी चल रहा है। तो कोटद्वार पौड़ी रोड पे चल रहा है काम, क्योंकि ये रूट कवर करता है दिल्ली तक और हाईवे से जल्दी कनेक्ट होता है दूसरे वाले रूट के मुकाबले। दिल्ली, अम्बाला, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रामनगर, इन सब जगह से ये सीधा कनेक्ट होता है, इसलिए इस रूट को किया जा रहा है चौड़ा। तो हम फॉल के पहुंच गए हैं फिलहाल अग्रोहा गांव। अग्रोहा सामने व्यू देखिए आप कितना जबरदस्त है। तो आप देख सकते हैं पौड़ी से लेकर कोटद्वार का जो रोड है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ऑल वेदर रोड पे गाड़ी चल रही है, कितना चौड़ा रोड है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम एक स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, एनएच लग रहा है। तो बिल्कुल अच्छा खासा चौड़ा कर दिया है और पीछे काम भी चल रहा था हाईवे पे ना। देखिए ऐसा नहीं है कि खाली ऑल वेदर रोड चारधाम परियोजना पे ही काम चल रहा है, देखिए यहाँ भी कितना जबरदस्त तेजी से काम चल रहा है और रोड बनी हुई है पूरी। तो देख के अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड के सारे सभी जगह की हाईवे पे काम चल रहा है फिलहाल, ये चीज़ देख के अच्छी लग रही है। और यहाँ तो बिल्कुल फ्रेश रोड बिछी है अभी, देखिए बिल्कुल फ्रेश रोड बिछी है अभी। गवर्नमेंट की तारीफ है कि देखिए चारों दिशाओं में काम चल रहा है और मेरे भाई कहीं कह रहे थे कि इस साइड कहीं काम नहीं चल रहा पौड़ी साइड वगैरह, मेरे को भी ये लग रहा था कि इस साइड शायद काम नहीं चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे काम देखा है ना तो वाकई में तारीफ है गवर्नमेंट की, चारों दिशाओं में काम चल रहा है। मतलब ये कई बार कमेंट में मेरे भाई कहते हैं कि सिर्फ चारधाम परियोजना पर ही काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ भी देखिए अच्छा खासा चौड़ा कर दिया रोड, कितना बढ़िया रोड कर दिया, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल नया फ्रेश रोड बिछा है और इसके ऊपर अभी एक लेयर और बिछेगी, पीछे काम चल रहा था तो एक लेयर इसके ऊपर और आएगी, उसके बाद तो बहुत बढ़िया है वो जाएगा, जैसे ऑल वेदर रोड है ना ऋषिकेश से आपका पूरा वैसा हो जाएगा रोड ये। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, तो ज्वालपा देवी मंदिर हम पहुंच गए हैं दोस्तों और यहाँ से लैंसडाउन 51 किलोमीटर है। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मुझे भी बताया था ऊपर पौड़ी में कि आप जा रहे हैं तो ज्वालपा देवी के दर्शन जरूर कीजिए। तो एक पुल आ गया है दोस्तों, उसके बाद कई जगह दो जगह रास्ते डाइवर्ट होंगे यहाँ से और आपको बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ हो रहे हैं। सतपुली के लिए 18 यानी हम जाएंगे यहाँ से राइट सतपुली के लिए और लेफ्ट मेरे ख्याल से यहाँ से जा रहा है लैंसडाउन। तो हम हो गए यहाँ से राइट, तो 18 किलोमीटर दूरी रह गई थी पीछे और अब मेरे ख्याल से 13 या 14 किलोमीटर के आसपास होगी। थोड़ा सा रोड ख़राब आया है और एक कस्बा आया है जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो पार्टी सैंड हम पहुंच गए दोस्तों, अच्छी खासी बड़ी सिटी है। तो पार्टी सैंड हमने क्रॉस कर दिया है और सतपुली यहाँ से 14 किलोमीटर रह गया है। थोड़ी सी रोड की कंडीशन खराब हुई है, जैसे हमने पुल क्रॉस किया है वो, उससे पहले तो बढ़िया थी। तो पार्टी सैंड क्रॉस करते ही फिर रोड बढ़िया हो गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया रोड हो गया है। तो पेट्रोल पंप पड़ा है दोस्तों पौड़ी के बाद सीधे पार्टी सेंट पे और पार्टी सेंट को क्रॉस करते ही 1 किलोमीटर बाद है पंप। तो
हाईवे देखिए आप कितना जबरदस्त बना हुआ है। मैं कई बार ना वीडियो को छोटी करने की कोशिश करता हूँ, मगर जब मुझे ऐसे सीन दिखते हैं और ऐसे हाईवे दिखते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि आप लोगों को भी दिखाऊं मैं। देखिए क्या जबरदस्त हाईवे बना हुआ है। आने वाले 2 साल में इसे और चौड़ा करते हैं। तो 6 किलोमीटर सिर्फ दूरी रह गई है सतपुली की और हम हायर गियर पे चल रहे हैं, अपने 5th गियर आराम चला रहे हैं। 50 से 55-60 के बीच में स्पीड रखी हुई गाड़ी की। हमने पहली बार इस हाईवे को कवर किया है और हम खुद भी पहली बार ही इस बार हाईवे पे आए हैं, तो बेस्ट है, बेस्ट रूट है। जिस तरीके से इस हाईवे को मेंटेन किया हुआ है, बहुत बढ़िया रूट है। अगर कोटद्वार से भी कोई मेरा भाई बॉडी आना चाहे तो बेस्ट रूट है। केशवर मोखाड़ा भजरो लेफ्ट, सतपुली कोटद्वार दिल्ली सीधा। यहाँ से हम केशवर महादेव भी जा सकते हैं। कितना किलोमीटर तक बोलूं? 27 किलोमीटर से केशवर महादेव यहाँ से। तो केशवर महादेव जो है वो सतपुली वाले रोड पे पड़ते हैं, इसका मतलब कोटद्वार से। तो फाइनली सतपुली हम पहुंच गए हैं और देखिए कितना बड़ा शहर है, जबरदस्त, बहुत प्यारी लोकेशन है। पौड़ी में तो ठंड लग रही थी, मगर यहाँ हीट हो रही है काफी, है ना बोलो? यहाँ हीट है। काल सतपुली में है हम, थोड़ा सा आउटर का रोड खराब है। नगर पंचायत सतपुली आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। फिलहाल है हम सतपुली बस स्टैंड पे और कोटद्वार के लिए हम हो गए हैं पूछिन से कोटद्वार। थैंक यू सर। तो भाई साहब व्यवहार तो ऐसा है कि उत्तराखंड पुलिस को हम अपनी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दे दें, मगर क्या करें, दे नहीं सकते। इतने प्यार से बोलते ना, बहुत प्यार से, डर नहीं लगता इनसे कुछ पूछते हुए। शॉर्टकट और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट कोटद्वार के लिए। तो रास्तों का बड़ा कंफ्यूजन है सतपुली में, कम से कम 8 कट गए हैं टोटल, मतलब 8 जगह के रास्ते कटे हैं 2 कट से, तो बड़ा कंफ्यूजन है। हम कोटद्वार की तरफ बढ़ गए हैं, तो अब सतपुली से लगातार हम ऊपर चढ़ रहे हैं चढ़ाई सतपुली तक। हम पौड़ी से लेकर सतपुली तक पूरी गाड़ी नीचे उतरी है, कहीं भी हमने सिंगल चढ़ाई नहीं चढ़ी, मगर अब सतपुली से जब से हम चढ़ना शुरू है गाड़ी ऊपर जा रही है लगातार ऊपर। और मेरे बगल में एक अल्टो चल रही है और भाई ने पहाड़ पे चला रखा है उसमें एसी, और गाड़ी फुल दब रही है। थोड़ा रोड भी छोटा हो गया पहले से ना चौड़ाई में, सब कुछ अच्छा है, रोड अच्छी है, जगह अच्छी है, माहौल अच्छा है, मौसम अच्छा है, मगर मोड़ों पे भाई हमारे कोई भी फॉरन बजाने को तैयार नहीं हो रहे, और जब मैं बजा रहा हूँ तो एकदम अलर्ट हो रहे हैं। जबकि देखिए आप जब रोड की चौड़ाई बिल्कुल डाउन बिल्कुल कम हो जाती है तो मैं अपनी साइड ही चलता हूँ मैक्सिमम, बिल्कुल अपनी साइड, और तब भी बच रहे हैं कई बार ना हम मोड़ पे। अब देखिए मैंने हॉर्न बजाया, खैर अभी तो कोई गाड़ी आ नहीं रही, तो सतपुली से लगातार गाड़ी चढ़ी रही है ऊपर। ये रूट हमने देखा हुआ नहीं है तो जानकारी इतनी है नहीं इसकी कि कहाँ तक गाड़ी ऊपर चढ़ेगी और कहाँ तक नीचे उतरेगी। तो फिलहाल तो लगातार ऊपर चढ़ रही गाड़ी। नगर पंचायत सतपुली में आपकी प्रतीक्षा में आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो सतपुली से लेकर और गुमखाल तक मुझे लगता है गाड़ी ऊपर चढ़ेगी और उसके बाद फिर डाउन होनी शुरू होगी। तो फिलहाल तो हम ऊपर ही चढ़ रहे हैं काफी टाइम से, जब से सतपुली हमने छोड़ा है लगातार गाड़ी ऊपर चढ़ रही लगातार। और रास्ता ठीक है, गड्ढे तो नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा बर्फ पड़ने से रास्ता खराब नहीं होता, उस टाइप से हो रहा है। बाकी रास्ता ठीक है और स्पीड भी ठीक ठाक मेंटेन हो रही है, बस ये है कि मोड़ ज़्यादा है तो 40 से ऊपर नहीं जा पा रहे हम, 30-40 मैक्सिमम। तो फाइनली हम पहुंच गए दोस्तों गुमखाल, और सतपुली से 19 किलोमीटर पूरी चढ़ाई है गुमखाल तक, पूरी चढ़ाई कंटिन्यू
और आपको सतपुली से घूमखाल तक पूरे 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो आप लोग घूमखाल से हम लेफ्ट हो गए हैं कोटद्वार के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 19 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, और अगर आप थोड़ी ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करोगे तो आप 40 से 45 मिनट में पहुँचोगे, और एक नॉर्मल स्पीड से आओगे तो भैया आपको लग जाएंगे पूरा एक घंटा सतपुली से घूमखाल तक, क्योंकि इतने मोड़ हैं कि आप मोड़ मोड़ के थक जाओगे। गाड़ी फिलहाल घूमखाल में है दोस्तों हम, और घूमखाल हमने कर दिया है ऑलमोस्ट क्रॉस, और यहाँ से हम बढ़ गए हैं कोटद्वार के लिए। अब आगे कैसा रूट है वो भी आपको बताता हूँ मैं। पौड़ी से सतपुली तक तो ज़बरदस्त रोड था, और फास्ट भी था काफ़ी, मतलब फटाफट कवर हो रहा था। लैंस डाउन यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो 16 किलोमीटर है दोस्तों, और हम हो गए नीचे से कोटद्वार के लिए। तो सारे रोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको उतराई सी शुरू हुई है, मतलब हम लगातार ऊपर चढ़े हैं लगातार, और घूमखाल से भी हम 2 किलोमीटर ऊपर चढ़े हैं कम से कम। अब उतराई शुरू हुई है कुछ, तो सारे रोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लैंसडाउन से भी जो रास्ता आता है वो यहीं आगे कनेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है लैंसडाउन से कोई नया रास्ता जा रहा है पौड़ी के लिए। जब मैंने लैंसडाउन का ब्लॉग बनाया था उसमें एक रास्ता दिखाया था, इस पर लिखा हुआ था पौड़ी श्रीनगर, तो यहीं आगे कनेक्ट होता है। अब रोड भी ठीक है, चौड़ाई भी बढ़ गई है कुछ पहले से ठीक है, और अब गाड़ी नीचे की तरफ उतर रही है, और मुझे लगता है कोटद्वार तक उतरेगी गाड़ी नीचे तक है बोलो। अब कोटद्वार तक हम नीचे ही उतरेंगे। भैया घूमखाल से हम लगातार नीचे उतर रहे हैं गाड़ी लेके पेड़ों की छाव में, और रास्ता बढ़िया घूमखाल से, थोड़ा सा पुली से लेकर और घूमखाल तक रास्ता खराब है, और उसके बाद यह रास्ता बिल्कुल बढ़िया, चौड़ाई भी ठीक है और गड्ढे वड्ढे भी नहीं है। तो देवी खाल निकल गया है, और घूमखाल से देवी खाल तक जबरदस्त रोड थी, और आगे भी जबरदस्ती है रोड। तो रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिवाय उन 19 किलोमीटर को छोड़कर जो आपके सतपुली से लेकर और घूमखाल तक थे, बहुत बढ़िया रोड बना हुआ पौड़ी तक कोटद्वार से। भैया घूमखाल से लगातार उतर रहे हैं नीचे, और अब आने वाला है दुगड्डा जो बचा है मात्र 10 किलोमीटर यहाँ से। ठीक ठाक स्पीड से हम उतर रहे हैं, और आगे है जीप वाला भाई, पीछे अपने बच्चों को घूमखाल से देवीताल तक हमने लिफ्ट दी थी, 3 स्टूडेंट थी बच्चियाँ। तो आप भी कभी पहाड़ वगैरह पे आए और कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो दे दीजिएगा, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो। इस भाई को मैं कितनी बार हॉर्न दे चुका हूँ मगर इस पे हॉर्न का कोई असर नहीं हो रहा, और ये पहाड़ के नियम भी नहीं मान रहा बिल्कुल भी कोई। अगर आपसे कोई गाड़ी ओवरटेक मांगे तो जहाँ आपको दिखे कि आप ओवरटेक दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए, मगर इसने कहीं भी भाईचारा नहीं बनाया हमारे साथ। अब फोन पे बात करता चल रहा है, देखो कैसी सवारी है जैसे फोन पे बात करने दे रही है। दोस्तों ये वही कट है जहाँ से आप सीधे चले जाएं तो आप चले जाएंगे लैंसडाउन, घूमखाल और तारकेश्वर महादेव, और हम हो गए यहाँ से राइट कोटद्वार के लिए। जब कोटद्वार से आते हैं तो हमें लेफ्ट होना होता है सतपुली और पौड़ी जाने के लिए, और राइट होना पड़ता है हमें लैंसडाउन के लिए। तो अब हम कोटद्वार रोड पे आ गए हैं, और जल्द हम पहुंच जाएंगे दुगड्डा। दोस्तों दुगड्डा हम पहुंच गए, दोस्तों यहाँ से अगर हम राइट हो जाएं तो हम राम झूला लक्ष्मण झूला चले जाएंगे वाया यमकेश्वर महादेव होकर, अगर हम यहाँ से राइट हो जाएं। रास्ता बहुत छोटा है मगर 110 किलोमीटर दूरी है ऋषिकेश की। कोटद्वार के लिए हम इस पुल को क्रॉस करके राइट होंगे, तो यहाँ से हम राइट हो जाएंगे कोटद्वार के लिए। और दुगड्डा तो कोटद्वार अच्छा रोड बना हुआ है, बढ़िया, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। तो कोटद्वार हम पहुँच ही जाएंगे 10 से 15 मिनट में, और फिर आपका पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा।
आज पौड़ी से लेकर जो हमने कोटद्वार का ब्लॉग बनाया है, इसमें सबसे बड़ा जो मुझे इशू लगा वो ओवरटेकिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हमें मिली रास्ते में, ये ओवरटेक करने में, ओवरटेक देने में बहुत दिक्कत कर रही हैं। हॉर्न देने के बाद भी, जगह मिलने के बाद भी ये लोग ओवरटेक नहीं देते, तो ये सबसे बड़ा इशू था आज इस रूट का। दुगड्डा टू कोटद्वार के बीच में रोड है, ये मिक्स है, मतलब कहीं सही है कहीं ख़राब है, और अभी से नहीं पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने कई राउंड लगा लिए यहाँ पे, ताड़केश्वर जी का भी ब्लॉक बनाया था, उससे बड़े लैंडस्टोन बनाया था, तब भी यही हालत थी, ज़रा सुधार हुआ नहीं है इसमें। तो फाइनली दोस्तों हम कोटद्वार टच कर गए हैं, और समय जो हुआ है अभी 10:45 का ही हुआ है। तो लेफ्ट साइड में हमारे भगवान सिद्ध बली हनुमान जी का मंदिर, और हम पहुंच गए हैं दोस्तों कोटद्वार। 10:45 का समय हुआ है दोस्तों, 8:15 चले थे हम वहाँ से, सिर्फ बीच में एक 15 मिनट का रेस्ट लिया था, तो लगभग लगभग 2.5 घंटे लग गए हमें 105 किलोमीटर क्रॉस करने में। यहाँ से उल्टे आल पर चले जाएँ तो हम चले जाएँगे दोस्तों सिद्ध बली मंदिर, काफ़ी नामी मंदिर है। तो रोड कंडीशन की बात की जाए तो आपका पौड़ी से लेकर सतपुली तक बहुत ज़बरदस्त रोड है, बढ़िया रोड है, अच्छी खासी स्पीड भी मेंटेन होती है। सतपुली से घूमखाल तक थोड़ा टाइम लग जाता है 19 किलोमीटर में, क्योंकि मोड़ बहुत है और लगातार खड़ी चढ़ाई है। फिर घूमखाल से लेकर और दुगड्डा और कोटद्वार तक उतराई है और रोड भी सही है, मगर थोड़ा समय लग जाता है। तो 2.5 घंटे के करीब हमें लग गए हैं इन 110 किलोमीटर 105 किलोमीटर क्रॉस करने में। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमारा ऋषिकेश से पौड़ी वाला ब्लॉग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे देता हूँ, और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।